नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ड्राइविंग एक ऐसी स्किल है जो कि प्रैक्टिकली सीखी जा सकती है। इसे आप थ्योरेटिकली किसी के दिखाने से या समझाने से या बताने से आप नहीं सीख सकते हो। आपको इसमें खुद प्रैक्टिकली करना होता है, गाड़ी की सीट पर बैठकर पूरी गाड़ी की फील लेनी होती है, तभी जाकर आप गाड़ी को सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं रवि, मैं इन्हें एकदम जीरो लेवल से गाड़ी सिखाऊंगा। इन्हें अभी बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आती है और इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों, इनके द्वारा आज हम सीखेंगे कि किस तरह से गाड़ी चलाते समय प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह की समस्या आती है। तो चलिए दोस्तों, मैं इन्हें ड्राइविंग सीट पर बिठाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अभी साइड वाली सीट पर और मैंने रवि को बिठा दिया है ड्राइविंग सीट पर। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको रवि कैसे गाड़ी चलाते हैं। सबसे पहले तो रवि को हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे सबसे पहले गाड़ी में बैठने का आपको अपने पैर की एस्केलेटर से किस तरह पहुँच होती है, आपको सीट एडजस्ट करनी है, उसके बाद आपको सीट बेल्ट लगाना है। रवि, सीट बेल्ट लगाओ। फिर उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि गियर, आपका स्टेयरिंग, क्लच, ब्रेक और एस्केलेटर, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने इन्हें बता रखा है और मैंने इन्हें सेफ्टी टिप्स भी दिए हैं कुछ। अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन होती तो ये सीधे ब्रेक को टारगेट करेंगे, इसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दबाना है। और देखिए आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाएं ऊपर, मैं आपको वहां पर लिंक दे दूंगा, आप देखें। तो सबसे पहले रवि, गाड़ी स्टार्ट करें, उसके बाद हैंड ब्रेक आप उतार दें। मेरी गाड़ी में उस तरफ है हैंड ब्रेक, देखिए। दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले हैंड ब्रेक को उतारना बहुत जरूरी है। अगर आप गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा के अगर चलाते हैं तो आपके जो ब्रेक शूज़ हैं उन्हें अच्छा खासा नुकसान होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो चलिए रवि, सबसे पहले आप क्लच दबाएं और उसके बाद पहला गियर लगाएं। गियर हमेशा आपको पूरा क्लच दबाकर ही लगाना है। चलिए तो रवि, हल्के हल्के क्लच छोड़ो, हल्के हल्के, देखिए जैसे कि रवि ने पहले अटेम्प्ट में ही गाड़ी चला दी है और इन्होंने थोड़ा सा झटका लिया था, क्लच छोड़ने में इन्हें तकलीफ हो रही थी। मैं अभी इन्हें हायर गियर्स में गाड़ी चलाने को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ही बिगिनर स्टेप में है। ये अभी पहले और दूसरे गियर में ही गाड़ी चलाएंगे। रवि, थोड़ी इसी स्पीड बढ़ाओ, फिर क्लच दबाकर सेकंड गियर देना है आपको। देखिए जैसे रवि ने अभी सेकंड गियर दे दिया है। बहुत अच्छे। इनकी गाड़ी अभी थोड़ा सा बहक रही है, गियर लगाते समय इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। ब्रेक 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 ब्रेक। तो दोस्तों, इनसे ब्रेक लगाते समय गाड़ी बंद हो चुकी है, लेकिन इन्हें बेसिक चीजों का अभी सारा नॉलेज हो चुका है, थोड़ा थोड़ा जजमेंट आ गया है। इन्होंने अभी लगभग आधे घंटे गाड़ी चलाकर देखी है, तो
आप जब भी गाड़ी सीख रहे हो किसी की निगरानी में सीखें, किसी एक्सपर्ट की। आप अकेले बिल्कुल भी कभी ट्राई ना करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल भी बिगिनर हैं और किसी भी इमरजेंसी में आप केवल ब्रेक दबाएं। तो अभी मैं रवि के कॉन्फिडेंस को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरूंगा और रवि आपको अकेले गाड़ी चला के दिखाएंगे। इन्हें मैंने वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में इन्हें केवल ब्रेक पे ध्यान देना है, ये बीच वाला जो पेडल है जैसा आप देख रहे हैं। और अभी ये एस्केलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इन्हें केवल केवल क्लच और ब्रेक से ही गाड़ी चलाना है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अभी मैं गाड़ी से नीचे उतर जाता हूँ। स्टार्ट कर। हल्के 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 दोस्तों देखिए रवि अभी एक गलती कर रहा है, ये गाड़ी की स्टार्टिंग में ही गाड़ी तेज चलाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी को शुरुआत में जितना स्लो चलाएंगे आपका जजमेंट उतना ज्यादा आएगा। इतनी तेज नहीं चलानी है शुरू में। गाड़ी को बराबर पार कर दो। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से रवि ने गाड़ी चला के दिखाई। पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने गाड़ी को सक्सेसफुली मूव करवा दिया, तो बड़े ही अच्छी बात है। हम रवि से पूछते हैं रवि को गाड़ी चलाने के बाद कैसा फील हो रहा है। तो रवि कैसा लग रहा है आपको गाड़ी चलाने के लिए? काफी अच्छा लग रहा है। मैं पहले बहुत एक्साइटेड था गाड़ी चलाने के लिए, और गाड़ी चलाने के बाद शुरू में तो ऐसा लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार स्टार्ट करने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आ गया है और गाड़ी इजीली चला सकता हूँ। बस कुछ चीजें, तो वो चीजें प्रैक्टिकली आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। दोस्तों देखा आपने हमने किस तरह से रवि को प्रैक्टिकली गाड़ी चलाना सिखाया, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आई, हमने उनका समाधान भी किया। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित चलिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।